वीडियो शुरू होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू। चार डबल रोटी के पीस, फोर ब्रेड स्लाइसेस मैंने ग्राइंड कर लिए हैं, बाउल में डाल दिए हैं। अब मैं इसमें 1 कप कैबेज शामिल कर रही हूँ, बंद गोभी 1 कप जो है, मैं इसमें कैरेट शामिल कर रही हूँ, गाजर जो क्रश कर ली है मैंने, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 2 खाने के चमचे मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया है, 1/2 टेबल स्पून चिली पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च 1/2 खाने का चमचा, सॉल्ट, नमक हसबे ज़रूरत हसबे जायका इसमें मैंने ऐड किया है, जिंजर गार्लिक पेस्ट, लहसुन अदरक 1 खाने का चमचा, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। पानी की मिकदार बहुत ही कम होगी, थोड़ी सी होगी। अब इसको सब मिक्स कर लेना है, इसको हाथ से मिक्सिंग करनी है इसकी अच्छे तरीके से, और इसमें जो बंद गोभी और गाजर है वो सब मैश करनी है। जब ये मैश होंगी ये बहुत एक दूसरे से आराम से चिपक जाएंगे। हाथ थोड़ी सी ग्रीसी करनी है और इसकी छोटी राउंड बॉल्स बनानी है मीडियम साइज़ की। डीप ऑयल ये फ्राई होंगे, ये शैलो फ्राई नहीं होंगे, या फिर इतना कुकिंग ऑयल लेना है कि ये दोनों तरफ से अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए और इनका कलर जो है वो चेंज हो जाए ब्रेड, और बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है। इस तरीके से ये फ्राई हो गए हैं, अब इनको मैं एक तरफ रख दूँगी। अब मैं इसकी सॉस तैयार करूँगी। सॉस का सामान बहुत ही सिंपल है और हमारे घर में मौजूद है। लहसुन चॉप्ड हुआ हुआ, गार्लिक चॉप्ड, अनियन चॉप्ड, ग्रीन अनियन, कैप्सिकम, शिमला मिर्च, हरी प्याज और प्याज जो खानों में यूज़ होती है, और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर जो मैं इसमें पानी में मिलाकर रख दूँगी, घोल दूँगी। 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल में मैंने चॉप्ड गार्लिक डाल दिए हैं। इसके बाद मैं चॉप्ड जो प्याज थी मैं इसमें वो ऐड करूँगी। अब इसमें मैं कैप्सिकम ऐड करूँगी, यानी कि शिमला मिर्च अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। छोटी शिमला मिर्च मैंने ली थी, जितने ब्रेड स्लाइस लिए थे उसके हिसाब से सामान लिया था। 1 टेबल स्पून टोमेटो केचप, 1 खाने का चमचा टोमेटो केचप लिया है मैंने, 1 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस ताकि जो है इसका जो सॉस तैयार हो वो ज़रा मज़ेदार सा हो, 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च पाउडर जो है मैंने 1/2 टेबल स्पून लिया है। अब मैं इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ थोड़ा इसको सॉस तैयार करने के लिए, ग्रेवी रखने के लिए। सॉस तैयार हो गई है, ब्रेड बॉल्स में इसमें ऐड कर रही हूँ और इसको मैं गार्निशिंग करूँगी ग्रीन अनियन से, हरी प्याज से ये गार्निशिंग होगा और बहुत ही क्रिस्पी रहेगी ग्रीन अनियन और बहुत मज़ेदार टेस्ट है इसका। ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी, और पसंद आई वीडियो तो लाइक करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा।